Hello everyone. This is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So, in last session we have discussed exercise 12.3, and in today's session we are going to see exercise 12.4. So, let's start it. So, question number one is: Observe the patterns of digits made from the line segments of equal length. You will find such segmented digits on the display of electronic watches or calculators. If the number of digits formed is taken to be n, the number of segments required to form n digits is given by the algebraic expression appearing on the right of each pattern. How many segments are required to form 5, 10, 100 digits of the kind 6, 4 and 8? Okay. So, this question we have. इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हों या कैलकुलेटर्स हों उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो सेगमेंट से बने हुए हैं मीन्स लाइन सेगमेंट से कुछ इस तरीके से डिजिट्स रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर डिजिट्स का पैटर्न बना हुआ है तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है उसमें सिक्स डिजिट सिक्स बना हुआ है तो सिक्स अगर वन सिक्स हम फॉर्म करते हैं तो कितने सेगमेंट्स की ज़रूरत है सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो Here, the number of segments required to form 1 6 is 6. Okay. Now, see, if we join 2 6, if we take 2 6, so line segments required 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 line segment Likewise, if we have 3, 6, so we require 16 number of segments. Likewise, if we join 4, सिक्स सो द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स वी रिक्वायर ट्वेंटी वन ओके सो इस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है मीन्स वन सिक्स के लिए सिक्स लाइन सेगमेंट टू सिक्स आपके इलेवन लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं देन थ्री सिक्स सिक्सटीन से बन रहे हैं फोर सिक्स ट्वेंटी वन से बन रहे हैं अब सपोज अगर एन एन यहाँ पर कोई भी हो कोई भी बाली हो सकती है सपोज एन अगर सिक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा मीन्स उसके लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी तो उसके लिए आपको फार्मूला दिया गया जेबरिक एक्सप्रेशन फॉर्म में फाइव एन प्लस वन मीन्स इफ बी इफ वी वॉन्ट टू हैव एन नंबर ऑफ सिक्स सो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स वाई दिस फॉर्मूला साल जी अबरे एक्सप्रेशन फाइव एन प्लस वन ओके सो अब क्वेश्चन आपका ये है कि अगर सपोज हमें फाइव सिक्स फाइव सिक्स ज्वाइन करानी है सो हाउ मैनी द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स वी रिक्वाय कितने लाइन सेगमेंट से फाइव सिक्स आपके बनेंगे देन फाइव सिक्स आपको फॉर्म करने हैं देन टेन टेन सिक्स एंड हंड्रेड सिक्स ओके तो अब यहाँ पर हम क्या है फाइव सिक्स को ज्वाइंट करें और फिर उसको काउंट करें तो वो थोड़ा सा लाइन होगा उसके लिए हमारे हमारे पास क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ओके इफ सपोज फाइव एन प्लस वन सी फाइव एन प्लस वन दिस इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर टू फॉर्म एन सिक्स ओके सो एन की वैल्यू अगर हम वन लेते हैं एन की वैल्यू वन मींस अगर वन सिक्स हम हमें चाहिए तो कितने लाइन सेगमेंट्स तो इस फॉर्मूले से फाइव इंटू वन प्लस ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर टू फॉर्म वन सिक्स एज सिक्स ओके लाइक वाइज इफ वी वॉन्ट टू हैव टू सिक्स तो एन की वैल्यू क्या हो गई टू ओके okay? तो इसलिक एक्सप्रेशन से हमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स का पता चल सकता है सो फाइव इंटू टू प्लस वन सो फाइव टू जो टेन प्लस वन इलेवन सेम यही आपको दे रखा है, आप काउंट करके देखिए और इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, सी अगर एन मीन्स थ्री सिक्स आपको फॉर्म करने हैं ठीक है मीन्स एन की वैल्यू क्या है थ्री है तो कितने लाइन सेगमेंट तो इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है फाइव इंटू थ्री प्लस वन मीन्स फाइव थ्री जो फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन इसी तरीके से अगर फोर सिक्स ज्वाइन कर रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या है फोर सो फाइव इंटू फोर प्लस वन सो फाइव फोर ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन ओके सो इस एलजेब्लिक एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हम कितने भी कितने भी सिक्स बना सकते हैं और उनमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है वो हम निकाल सकते हैं ओके okay? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर सपोज आपको फाइव सिक्स क्रिएट करने हैं फाइव सिक्स आपको फॉर्म करने हैं तो कितने सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसी तरीके से अगर हम टेक टेन सिक्स बनाते हैं तो कितने लाइन सेगमेंट इसी तरीके से अगर हम हंड्रेड बनाते हैं तो कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना है ये हमें क्या दे रखी so है एन की वैल्यू नंबर ऑफ सिक्स सो एन की वैल्यू अगर फाइव है एन की वैल्यू अगर टेन है एन की वैल्यू हंड्रेड है तो फिर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे फॉर्मूला इज फाइव एन प्लस वन ओके इफ सपोज एन इज फाइव मीन्स अगर हमें फाइव सिक्स बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट तो इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म फाइव सिक्स ओके और वी कैन राइट लाइक दिस फाइव सिक्स इज इक्वल्स टू फाइव इंटू एन एन क्या है यहाँ पर फाइव सो फाइव इंटू फाइव प्लस वन मीन्स फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स ओके सो अगर हमें फाइव सिक्स इस तरीके से बनानी है ठीक है तो कितने सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ट्वेंटी सिक्स की इसी तरीके से अगर एन की वैल्यू टेन है मीन्स अगर हमें टेन सिक्स बनाने हैं तो कितने नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फाइव इंटू टेन प्लस वन मीन्स टेन फाइव फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी वन इसी तरीके से अगर हमें हंड्रेड सिक्स बनाने हैं तो कितना फाइव इंटू हंड्रेड प्लस वन मीन्स फाइव हंड्रेड एंड वन ओके सो दिस इज़ द number of segments required to form 10 6 likewise number of segments required to form hundred six is five hundred and one okay तो अगर हमारे pattern में formula पता हो means किसी भी pattern को हम algebraic expression form में लिख सकते हैं ओके okay? यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन इलेवन प्लस फाइव इज सिक्सटीन एंड सिक्सटीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी वन मीन्स कितनी कितने का डिफरेंस है फाइव फाइव का डिफरेंस है ओके सो वन सिक्स अगर हमें फॉर्म करना है तो सिक्स लाइन सेगमेंट्स की जरूरत है सो फाइव इंटू वन प्लस वन सो सिक्स लाइक वाइज फाइव इंटू अगर टू सिक्स हमें चाहिए सो so, कितने लाइन सेगमेंट्स हमें जरूरत पड़ेगी फाइव इंटू टू प्लस वन ओके टेन प्लस वन इलेवन लाइक वाइज इफ वी वॉन्ट टू हैव थ्री सिक्स सो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन प्लस वन एज सिक्सटीन ओके तो अगर हमें बहुत सारे जहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर हंड्रेड था अब हंड्रेड सिक्स हम बनाएंगे तो नहीं हंड्रेड सिक्स बनाने में तो बहुत टाइम और फिर काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा कितने सेगमेंट्स की ज़रूरत तो इस फॉर्मूले से हम क्विकली निकाल सकते हैं कि कितने सेगमेंट्स से कितने डिजिट्स फॉर्म हो सकते हैं ओके नौशीदा सेकेंड पार्ट नौशीदा सेकेंड पार्ट बी पार्ट इसमें आपको जो पैटर्न दे रखा है वो फोर डिजिट का दे रखा है मेन्स यहाँ पर कौन सा डिजिट है इलेक्ट्रॉनिक डिजिट डिजिटल डिजिट फोर सो फोर वन फोर को फॉर्म करने के लिए कितने सेगमेंट की जरूरत है वन टू थ्री फोर इसी तरीके से टू फोर के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो काउंटिंग करके भी हमें नंबर पता चल जाए इसी तरीके से थ्री के लिए हमें टेन की जरूरत, फोर के लिए थर्टीन ओके तो इसी तरीके से आपको अगर एन फोर फॉर्म करने हैं ठीक है एन फोर फॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है थ्री एन प्लस वन मीन्स इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप कितने भी डिजिट फॉर्म करिए तो उसके लिए कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी उस इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओके सो so, देखिए अगर देखते हैं तो फोर प्लस फोर प्लस थ्री इज सेवन एंड सेवन प्लस थ्री इज टेन टेन प्लस थ्री इज थर्टीन मीन्स थ्री थ्री का डिफरेंस है ठीक है थ्री थ्री का डिफरेंस इसलिए फार्मूला जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो क्या है थ्री एन थ्री का मल्टीपल्स थ्री एन प्लस वन ओके थ्री एन प्लस वन अगर एन की वैल्यू वन है तो एन यहाँ पर हम क्या वन पुट करेंगे वन अगर फोर चाहिए तो कितने लाइन सेगमेंट थ्री इंटू वन प्लस वन मीन्स फोर इसी तरीके से अगर हमें टू फोर चाहिए टू फोर फॉर्म करने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन तो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले से आप कितनी भी एन कितना भी ले लीजिए मीन्स कितने भी आप फोर डिजिट फॉर्म करिए आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आप पता लगा सकते हैं ओके तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर हम फोर ये फोर डिजिट फाइव बनाते हैं फाइव फॉर्म करते हैं तो कितने सेगमेंट की जरूरत होगी तो हम क्या है करेंगे हम ये डिजिट्स बना कर नहीं देखें हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे सो so, एन की वैल्यू क्या है हमें लेनी है फाइव सो थ्री इंटू फाइव प्लस वन थ्री फाइव जो फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन ओके थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सो सिक्सटीन सेगमेंट्स की जरूरत है फाइव फोर फॉर्म करने के लिए ओके नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर टू फॉर्म फाइव फोर इज सिक्स ओके नाउ सी इफ यू वांट टू हैव टेन फोर अगर टेन फोर फॉर्म करने हैं तो कितने सेगमेंट्स इस फॉर्मूले से ही हम कैलकुलेट करेंगे थ्री इन टू एंड यहां पर क्या है नंबर ऑफ फोर तो नंबर ऑफ अगर फोर टेन हमें फॉर्म करने हैं सो एन की जगह हम क्या रखेंगे टेन प्लस वन सो थ्री इंटू टेन थर्टी प्लस वन थर्टी वन ओके इसी तरीके से अगर हंड्रेड फोर आपको फॉर्म करने तो कितने सेगमेंट्स की जरूरत सेम थ्री इंटू एन की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी हंड्रेड प्लस वन सो थ्री हंड्रेड वन सेगमेंट्स वी रिक्वायर टू फॉर्म हंड्रेड फोर ओके नाउ सी दी पार्ट सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फॉर्म एट ओके यहाँ पर क्या है एट डिजिट को लिया गया है so सो अगर आप वन एट फॉर्म करते हैं तो देखिए कितने सेगमेंट्स की जरूरत है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसी तरीके से अगर टू एट देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड एज ट्वेल्व इथ थ्री इफ यू वॉन्ट टू हैव थ्री एट वी आर रिक्वायर्ड सेवेंटीन नंबर ऑफ सेगमेंट्स ओके okay? इसी तरीके से अगर फोर एट दैन एन मी रिक्वायर ट्वेंटी टू सेगमेंट्स ओके सो इसी तरीके से अलज्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है फाइव एंड प्लस टू मीन्स अगर आपको एन एंड एट फॉर्म करने हैं तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड इज फाइव एंड प्लस टू हेयर एन यू कैन टेक फ्रॉम वन ओके एन की वैल्यू क्या है वन से स्टार्ट होगी वन एट टू एट थ्री एट फोर एट फाइव एट तो आन की वैल्यू कुछ भी हो सकती कितने भी एट आप फॉर्म करते हैं तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स से रिक्वायर्ड फाइंड कर सकते हैं इसी ठीक है तो इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको जो तीन स्पेसिफाई कि अगर आपको सपोज फाइव एट फॉर्म करने टेन एट फॉर्म करने हंड्रेड एट फॉर्म करने सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड कितना होगा ठीक है तो देखिए अगर हम फाइव एट फाइव एट को फॉर्म करना है तो फाइव एट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव तो इस फॉर्मूले में हमें एन की वैल्यू क्या पुट करनी है फाइव सो फाइव इंटू फाइव प्लस टू फाइव इंटू फाइव प्लस टू सो फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन ओके इसी तरीके से अगर टेन एट ऑफ को फॉर्म करने देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड इज फाइव इंटू टेन प्लस टू सो फाइव टें जा फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी टू ओके अगर हम टेन एट फॉर्म करते हैं तो कितने सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फिफ्टी टू सेगमेंट से आपके टेन एट फॉर्म हो सकते हैं इसी तरीके से अगर हमें हंड्रेड एट फॉर्म करना है तो कितने सेगमेंट से फॉर्म होगा तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं फाइव एन प्लस टू से सो so, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हंड्रेड प्लस टू सो फाइव हंड्रेड सा फाइव हंड्रेड प्लस टू फाइव हंड्रेड टू ओके सो नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म हंड्रेड एट इज फाइव हंड्रेड एंड टू ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज यूज़ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स, ओके तो इस क्वेश्चन में आपको टेबल दे रखी इस तरीके से और कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है तो देखिए जब ये जो फर्स्ट आल एक्सप्रेशन है आपका टू एन माइनस वन तो इस एक्सप्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा ठीक है ये जो ये जो कॉलम्स हैं ये क्या है टर्म्स के कॉलम्स हैं ठीक है इस पैटर्न इस पैटर्न जिसमें ये एक्सप्रेशन फिट हो रहा है ठीक है एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है उसको यूज़ करते हुए हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है वन थ्री फाइव सेवन नाइन नाइन्टी इसी तरीके से इस पैटर्न में फाइव एट इलेवन फोर्टीन में कौन सा ये एक्सप्रेशन यूज हो रहा है थर्ड में फोर एन प्लस वन यूज हो रहा है फोर्थ में सेवन एन प्लस ट्वेंटी यूज़ हो रहा है देन फिफ्थ में एन स्क्वेर प्लस वन तो इन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हमें जो ये अनफिल्ड मीन्स जो मिसिंग है पैटर्न के टर्म्स उनको कंप्लीट करना है ठीक है तो देखिए टू एन माइनस वन अगर हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं फर्स्ट टर्म मतलब एन की वैल्यू आपको क्या लेनी है वन लेनी है सो टू इंटू वन इज टू टू माइनस वन इज वन मीन्स इस पैटर्न का फर्स्ट टर्म क्या होगा वन ठीक है इसी तरीके से सेकेंड टर्म मीन्स एन की वैल्यू क्या लेनी है टू सो टू टू ऑफ फोर माइनस वन इज थ्री इसी तरीके से थर्ड टर्म इस पैटर्न का क्या होगा टू इंटू थ्री माइनस वन मीन्स फाइव इसी तरीके से फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म टेंथ टर्म आपको दे रखा है हंड्रेड नहीं दे रखा है तो हंड्रेड हम फाइंड कर सकते हैं इसमें रखकर, कर सो टू इंटू एन की वैल्यू क्या रखनी है हंड्रेड टर्म के लिए हंड्रेड रखनी है सो टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड माइनस वन मीन्स वन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन तो हंड्रेड टर्म इस पैटर्न का क्या होगा वन नाइन्टी नाइन इसी तरीके से देखिए सेकेंड जो एक्सप्रेशन है थ्री एन प्लस टू फर्स्ट टर्म उसका आपको दे रखा है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं दे रखा है मीन्स एन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में क्या पुट करनी है फाइव फिफ्थ टर्म हमें निकालना है तो एन की वैल्यू फाइव सो फाइव थ्रीजा फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन सो फिफ्थ टर्म इस पैटर्न के लिए क्या होगा सेवेंटी इसी तरीके से टेंथ टर्म इस पैटर्न का सो so, एन की वैल्यू क्या रखनी है टेन सो टेंथ थ्रीजा थर्टी प्लस टू थर्टी टू इसी तरीके से अगर हंड्रेड टर्म चाहिए इस पार्टन के लिए तो इस फॉर्मूले इस एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं एन की वैल्यू क्या नहीं हंड्रेड सो थ्री इंटू हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस टू थ्री हंड्रेड एंड टू ओके नाउ सी दर्ड वन फोर एंड प्लस वन ये जो पैटर्न है फाइव नाइन थर्टीन सेवनटीन इसका पार्टन इसमें एक्सप्रेशन कौन सा यूज हो रहा है फोर एन प्लस वन ठीक है एन की वैल्यू अगर वन है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा फाइव एन की वैल्यू टू है मीन्स सेकेंड टर्म की बात करें तो नाइन. थर्ड टर्म थर्टीन फोर्थ टर्म सेवनटीन इसी तरीके से फिफ्थ टर्म क्या होगा तो फिफ्थ टर्म मीन्स एन की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी है फाइव फाइव फोर जै ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन इसी तरीके से टेंथ टर्म क्या होगा फोर इंटू टेन फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन इसी तरीके से हंड्रेड टर्म इस पैटर्न का फोर इन टू हंड्रेड प्लस वन फोर हंड्रेड एंड वन ओके तो अगर किसी पैटर्न का हमें फॉर्मूला मीन्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता हो तो उस पैटर्न का हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं ठीक है नाउ सी द फोर्थ वन ट्वेंटी सेवन थर्टी फोर फोर्टी वन फोर्टी एट तो ये एक पैटर्न है इस पैटर्न के जो भी मिसिंग है उनको आपको कंप्लीट करना है बाय यूजिंग दिस एल एक्सप्रेशन सेवन एंड प्लस ट्वेंटी अगर इस पैटर्न को देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है ट्वेंटी सेवन कैसे आया अगर हम एन की वैल्यू यहाँ वन पुट करते हैं सो सेवन इंटू वन इस सेवन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन अब हमें फाइंड कौन सा करना है फिफ्थ टर्म सो फाइव इंटू सेवन एन की वैल्यू क्या फाइव पुट करेंगे सो सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव एंड थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फिफ्टी फाइव ओके फिफ्टी फाइव सो इस पैटर्न का फिफ्थ टर्म क्या होगा फिफ्टी फाइव नेक्स्ट टेंथ टर्म, सो टेन सेवन, एन की वैल्यू टेन पुट करनी है क्योंकि टेंथ टर्म चाहिए so, okay? हमें सो टेन इंटू सेवन इज सेवेंटी एंड सेवेंटी प्लस ट्वेंटी एंड नाइनटी ओके नाउ सी हंड्रेड टर्म हंड्रेड टर्म हमें फाइंड करना है इस पार्टन तो एन की वैल्यू हंड्रेड पुट करनी है सो हंड्रेड इंटू सेवन सेवन हंड्रेड प्लस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओके नाउ सी द लास्ट वन एन स्क्वेर वन मीन्स इस पार्टन को अगर हमें कंप्लीट करना है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करना है एन की वैल्यू अगर वन है तो फर्स्ट टर्म क्या है टू एन की वैल्यू अगर टू है मीन्स सेकेंड टर्म की बात करें तो क्या आ रहा है फाइव थर्ड टर्म टेन लाइक वाइज फोर्थ टर्म सेवेंटीन अब फिफ्थ टर्म नहीं दे रखा फिफ्थ टर्म हमें निकालना है तो फिफ्थ टर्म इसका मतलब एन की वैल्यू हमें क्या फाइव पुट करनी है सो so फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स सो फिफ्थ टर्म इस पैटर्न के लिए क्या होगा ट्वेंटी सिक्स इसी तरीके से टेंथ टर्म सो टेंथ का स्क्वायर एन की वैल्यू टेन पुट करनी है सो so टेन का स्क्वायर हंड्रेड हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड वन हंड्रेड एंड वन ओके okay, इसी तरीके से हंड्रेड टर्म दे रखा है टेन थाउजेंड वन ओके okay, टेन थाउजेंड वन तो कैसे आया हंड्रेड का स्क्वायर हंड्रेड टर्म निकाले इसलिए एन की वैल्यू क्या हंड्रेड पुट करनी है सो तो हंड्रेड का स्क्वायर प्लस वन सो तो हंड्रेड स्क्वायर मींस टेन थाउजेंड प्लस वन टेन थाउजेंड वन ओके okay, सो तो हंड्रेड टर्म सेम आपको दे रखा है तो इस तरीके से आप किसी भी पैटर्न के कितनी भी टर्म और किसी भी नंबर के टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको उस पैटर्न में कौन सा फॉर्मूला या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा हो पता हो ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टूडे सेशन in which we have discussed exercise 12.4 if you have any doubt related to today's exercise can ask on comment section and in my next upcoming session we will see the new chapter okay till then keep watching my channel thank you